पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण की मांग को लेकर युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने शिवराज सिंह चौहान का पुतला फूंक नाराजगी जाहिर की। दरअसल मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया के आह्वान पर भिंड युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार देशलहरा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन किया गया। पहले तो भिंड में परेड चौराहे पर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। उसके बाद पुतला दहन के दौरान कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प हो गई। पुलिस द्वारा पुतला छीनने का प्रयास लगभग 15 मिनट तक किया गया, लेकिन युवा कांग्रेस पुतला दहन कार्यक्रम को करने में सफल रही। बताया जा रहा है कि युवा कांग्रेस दो पुतले बनाए थे। एक पुतला युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से पुलिस छीनने का प्रयास करती रही। इसी दौरान युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष राजकुमार देशलहरा जलता हुआ एक दूसरा पुतला लेकर आ गए। पुतला दहन करते समय पुलिस द्वारा पुतला छीना झपटी में युवा कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष गौतम गहलोत और ममता मिश्रा के हाथ भी झुलस गए। मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के आह्वान पर आज भिंड युवा कांग्रेस ने ओबीसी आरक्षण की मांग को लेकर पुतला दहन किया शिवराज सिंह चौहान जी का। उन्होंने सदन में कहा था कि हम आरक्षण के बिना चुनाव नहीं करेंगे, लेकिन देख लीजिए चुनाव लगातार चल रहा है। अभी चुनाव आयोग द्वारा ऐसी कोई अधिकृत घोषणा नहीं की गई जिससे चुनाव को रोका जाए। इनकी हमेशा से थोड़ी मानसिकता रही है। कांग्रेस पार्टी ने पंचायत चुनाव में आरक्षण देने का काम अगर किसी ने किया था तो कांग्रेस पार्टी ने किया था। कांग्रेस पार्टी के बारे में इन लोगों का भ्रम है। हमारे विवेक तनखा जी ने जो याचिका लगाई थी वो रोटेशन को लेकर लगाई थी, ना कि आरक्षण को लेकर। तो यह झूठों और मक्कार लोगों की सरकार है, हमेशा झूठ बोल के लोगों को गुमराह करने का काम करती आई है। हम जब तक चुनाव आयोग द्वारा कोई अधिकृत घोषणा ओबीसी आरक्षण को लेकर पंचायत चुनाव में नहीं की जाती है, तब तक कांग्रेस पार्टी, युवा कांग्रेस सभी संगठन मिलकर सड़कों पर उतर के ओबीसी की लड़ाई लड़ेंगे। पुलिस प्रशासन के साथ कई देर तक जुआझटकी हुई है, क्या रहा है? ये यहाँ का पुलिस प्रशासन है, जो प्रशासन है भाजपा के एजेंट बन के यहाँ पर ये लोग काम कर रहे हैं। और अभी जो नियुक्तियाँ हुई हैं मंडल और उनकी भाजपा के द्वारा, उनके लिए कोई आचार संहिता नहीं लगी है। हमारे लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए सारे नियम लागू हैं, जनता के लिए लागू हैं। अभी कुछ समय पहले 28 सीटों पर उपचुनाव संपन्न हुए, उसके बाद कोरोना नहीं था। अभी देख लीजिए कि यहाँ के जो मंत्री हैं कोरोना का बहाना लेने लगे, उनके लिए कोई गाइडलाइन नहीं है। जनता के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए सारी गाइडलाइन है और रहेंगे।